जीवन आवश्यक वस्तुओं और कृषि जिन्सों पर 18 जुलाई से केंद्र सरकार द्वारा 5% जीएसटी लगने के विरोध में शनिवार को इतवारी और कलमना स्थित होलसेल अनाज बाजार पूरी तरह से बंद रहा। बंद को कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट, नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैमिट, दाल मिलर्स ऑफ राइस मिलर्स ने समर्थन दिया है। इस दौरान जीएसटी का पुतला जलाया गया। द होलसेल ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के सचिव प्रताप मोटवानी ने बताया कि सरकार ने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे। नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहाड़िया के नेतृत्व में व्यापारियों ने जीएसटी का पुतला जलाकर खाद्यान्न वस्तुओं एवं कृषि उत्पादित वस्तुओं पर लगने वाली 5% जीएसटी का विरोध किया। मेहाड़िया ने कहा कि कैट द्वारा जीवन आवश्यक एवं कृषि उत्पादित वस्तुओं पर जीएसटी के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसका समर्थन करते हुए एनवीसीसी ने इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर व्यापारियों का विरोध नहीं है। आजाद हिंदुस्तान में कभी भी कृषि उपज के ऊपर कर लगा नहीं। पूरी कर प्रणाली ऐसी बनाई गई है कि कृषि को साइड में रखकर, और इसीलिए दूसरी जिन्सों के ऊपर टैक्स की दर ज़्यादा है। 75वें साल में दुर्भाग्य की बात है कि सबसे पहली बार अब खुले कृषि इसके ऊपर भी पैकिंग प्री पैक के ऊपर ये टैक्स लगाया जा रहा है। ये मामला सिर्फ गेहूं चावल का नहीं है, आज फल भी पैकेट में आ रहे, प्याज लहसुन आलू भी सब बोरों में आ रहे हैं। ये शुरुआत है। इसका मतलब अब कृषि उपज के ऊपर सरकार की नज़र पड़ गई है। एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलती है महंगाई है और इसकी ब्याज की दरें बढ़ाती है, और दूसरी तरफ सरकार कीमतें बढ़ा के महंगाई बढ़ा रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इसके आगे और जाएं तो कभी मार्केट में जब दाम बढ़ते हैं तो सरकारी दफ्तर सरकारी महकमे के लोग बाज़ारों में आते हैं कि दाम कम करो। अब सरकार खुद दाम बढ़ा रही है तो इसके बारे में इनका क्या कहना है। पहले जो आज हमारा ये विरोध हमने दर्शाया है, सांकेतिक दर्शाया है, क्योंकि किसी भी देश का, कोई डेवलप देश हो, डेवलपिंग कंट्री हो, अनडेवलप कंट्री हो, उसकी सबसे मूलभूत जरूरत रहती है रोटी कपड़ा मकान। तो सरकार ने ये कर लगा के जो हमारी थाली है उसको 5% से महंगा कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट 130 करोड़ जनता को आएगा। हमको पता है कि सरकार ये जो पैसा संग्रह करके हमारी उन्नति को लगाएंगे, लेकिन जब जनता ही खुश नहीं है इस कर को लगाकर, तो सरकार ने इसको इमीडिएट विड्रॉ करने को होना। 75 साल में कभी भी इस प्रकार का जीवन आवश्यक वस्तु या खाद्य पदार्थ पे कर नहीं लगा। जब भी 2017 में जीएसटी का गठन हुआ था तब ये कहा गया था कि जब जो वस्तु जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है वो हमेशा एग्जेम्प्टेड रहेगी। तो जीएसटी में ये तभी भी अनाज जो दूध दही ये सब एग्जेम्प्टेड था, तो उसको अभी भी एग्जेम्प्टेड रखना चाहिए। लेकिन आज़ादी के पूर्व से आज तक खाद्यान्न सामग्री संबंधित वस्तुओं पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं था। अब सरकार ने टैक्स लगाकर आम जनता के मुंह से निवाला छीनने की तैयारी कर ली है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।